सो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। सो आज का टूर रहने वाला है बेसिकली हमारा गाइस थाची वैली का। आज हम करने वाले हैं एक्सप्लोर सिराज वैली एंड आज हमारा वहाँ का स्टे भी रहने वाला है। हमारे साथ है आज पंकू भाई। और पंकू भाई कैसे हो? बढ़िया। आज पंकू भाई ने ज्वाइन किया एंड इनको तो आप जानते होंगे, कमलेश भाई। बढ़िया, ये हमारे साथ हर टूर पे रहते हैं। सो गाइज, आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। चलो गाइज, गाइज यार आज पूरी सिराज वैली में एक्सप्लोर करने वाले हैं अपन लोग, लाइक थाची वैली जहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फन एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं गाइज। हमारे साथ भाई दो पल्सर वाले ने ज्वाइन किया है एंड ये थोड़े से क्रेजी। इसे ना यार एक ब्रिज आता है, ठीक है, वो हमने क्रॉस करना है एंड रास्ता पकड़ना है परली साइड वाला पहाड़, ये वाला ब्रिज करना है हमको क्रॉस है। यहाँ से जाता ऊपर को रास्ता थाची के लिए। सो गाइज, ये वाला ब्रिज जाएगा हमारा थाची वैली की तरफ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ब्रिज है भाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ब्रिज है। What a view, man. Okay, guys. Okay. इनकी पल्सर हाईवेज में बहुत मस्त चलती है, बहुत ज़्यादा मस्त चलती है, बहुत ही ज़्यादा। बट ऐसे रास्तों में एक्सप्रेस ज़्यादा बेटर चलेगी, आई होप सो। एंड गाइज, ऊपर से जो आपको व्यूज देखने को मिलेंगे ना, एंड आज के लाइक आज की भी एक सीरीज होने वाली है प्रॉपर। तो इस सीरीज में कवर होने वाला है गाइज की बहुत सारी जगहें कवर करने वाले हम, जैसे कि शेट्टाधार, चुंजवाला टॉप, बहुत सारी वैलीज करके वैलीज है गाइज यहाँ पर। सो वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। रास्ता पहले से बहुत कच्चा हो गया भाई, ऐसा भी क्या हो गया यहाँ पे, पहले इतना कच्चा रास्ता था नहीं। गाइस देखो, एक बात तो माननी पड़ेगी, एक्सप्रेस ऑफ रोड में कमाल चलती है। एंड व्यू चेकआउट करो गाइस, लवली माउंटेन्स मैन, व्हाट अ लवली माउंटेन्स। ऐसे जाता है गाइस रास्ता, ला 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 ला। अब ये गाड़ी ओवरटेक करना जाएगी अपने को मुश्किल। कमलेश मेरे से आगे नहीं कर रहा, इसको रास्ते का पता सता है नहीं, ऐसे ही आगे जा रहा है। फिर हॉर्न मार के वापस बुलाना पड़ता है इसको। ये लोग भी हंस रहे हैं कि भाई कमलेश भाई तो थोड़ा क्रेजी है भाई, इसको बोलना पड़ेगा मेरे को कि यार मेरे पीछे पीछे चल ले। मेरे साथ दो पल्सर वाले आए, एक बुलेट वाला बंदा हमारे को ज्वाइन करेगा गाइज। पंजेई नाम की एक जगह है, मेरे को भी नहीं पता है कहाँ है, बट वहाँ से ज्वाइन करेगा। ये बंदे हंस रहे कमलेश में भाई। कमलेश भाई की राइडिंग के दीवाने हो गए लोग भाई। ओ भाई कमलेश भाई, भाई सो क्रेजी, मत ओवरटेक मत लो यार अभी। कमलेश भाई की राइडिंग बहुत सेक्सी है भाई। बंदे वीडियो बनाने लग गए भाई इसकी, कि कैसे चलाता है भाई ये, चलाता तो अच्छा है, ठूक ठाक ना जाए कहीं पे, इस चीज़ का डर रहता है मेरे को कमलेश का। बाकी तो बहुत सेक्सी चलाता है ये, राइडिंग बहुत सेक्सी कर रहे हैं भाई दोनों पल्सर वाले, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी राइडिंग कर रहे हैं। एंड गाइस व्यू चेकआउट करो एक बार, माउंटेन्स ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा भाई। कमलेश भाई पल्सर ऐसी लीन कर रहा है जैसे एडवेंचर बाइक चला रहा है भाई। यहाँ से जाता भाई रास्ता ऊपर को, तभी मैं बोल रहा था ये बंदे आगे चल रहे हैं, उनको पता नहीं चलेगा फिर रास्ते का, इनको पता नहीं फिर चलेगा रास्ते का, इसलिए मैं कह रहा था। यहाँ से जाता गाइस अपना लाइक जहाँ पर हमने जो डेस्टिनेशन पे हमने जाना है वो रास्ता जाता अपना यहाँ से। अब आगे से ना एक और लिंक्ड रास्ता आता, बट वो लिंक्ड रास्ता मेरे को याद नहीं रहा कि आता कहाँ से। अब देखो गाइस ऑफ रोड है, अब मज़ा तो आएगा भाई, काफ़ी ऑफ रोड है भाई। एक वैली कोई सी बताई है बंदे ने, बताई थी कि रास्ता बहुत डेंजर है, बट जाने दो अंकल जी। ता
कहा था बंदे ने कि रास्ता बहुत डेंजर है वहाँ का, सो वहाँ पर भी जाके देखेंगे अब उनका डेंजर रास्ता कैसा होता है, क्योंकि कुल्लू भुंतर के तो हमने सारे डेंजर रास्ते देख लिए, यहाँ के भी देख लेते हैं थोड़े डेंजर रास्ते, थोड़ी ट्रेल्स देखेंगे यहाँ की कि इस साइड पे ट्रेल्स भाई मज़ेदार ट्रेल्स है भी कि नहीं है। ये कोई सा नाला तो है भाई, जब आता होगा ना भाई बरसात में तगड़ा ही आता होगा यार। ABS के साथ सीन ये होता है ना, मेरे को निकलवाना पड़ेगा ABS यार। ABS के साथ सीन ये होता है जब ब्रेक मारते हैं ना, ABS कसम से लॉक कर जाता है कई बार और ब्रेक नहीं लगती है, उस चक्कर में टायर जाम हो जाता है और गिरने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ऐसे टर्न्स मेरे पहले से बहुत सुधर गए भाई, पहले मैं बहुत स्लो टर्न काटता था, बहुत ज़्यादा स्लो, अब तो लाइक काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली है भाई मैंने, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है भाई। हॉर्न मारना गाइस मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग भी अगर मेरे व्लॉग्स बाहर से देख रहे हो माउंटेन्स पे जब भी आते हो गाइस हॉर्न बजा दिया करो, अदरवाइज यहाँ बज बुझ जाए गाड़ी ना तो फिर भाई, और फिर तुम्हें पता होना चाहिए भाई कि हॉर्न भी बजाने हैं भाई, मस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं हॉर्न बजाना। ये देखो ऊपर से ये मेरी लैंडस्लाइड हुई है कि पहाड़ी ऐसा भाई भगवान जाने। एक बंदा यार ज्वाइन करेगा हमको बट मेरे को उसकी प्रॉपर लोकेशन नहीं है पता कि बंदा है कहाँ। जैसे भाई यहाँ पर हम पहले आए हैं गाइस लाइक शेट्टाधार तक हम जा नहीं पाए थे उस टाइम भी पूरा, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हुई थी उस टाइम पे, हद ज़्यादा स्नो थी। ये गाइस नेचुरल सोर्स है भाई पानी पीने का। ट्रक फू 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 भाई, ट्रक जितनी धूल ना कोई गाड़ी नहीं उड़ाती है भाई, साला ट्रक जितना मर्जी स्लो चल ले धूल साला उड़ाएगा ही उड़ाएगा। गाइस देखो ऐसे लेंस काटने में ना बहुत मजा आता है, वो बंदे ना लिटरली मेरे को दिख नहीं रहे हैं, आ गए, मैंने सोचा दिख ही नहीं रहे कहाँ चले गए बंदे। गाइज हमारा एक राइडर रह गया पीछे, उसका वेट करते हैं, तब तक मैं कॉल वगैरह लगाता हूँ अपने बुलेट वाले बंदे को जो हमारे साथ आ रहा था। कैसी जगह पसंद आ रही है? अभी ऊपर चल तो ऊपर लगेगा तेरे को असली जन्नत का पता। मजा आया? गाइज यहाँ से व्यू चेकआउट करो एक बार ना, कितना ज़्यादा सुंदर लगता है यहाँ से व्यू यार, सो लवली मैन। अभी जब हम टॉप पे जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमको वहाँ पे।